दोस्तों बिहार वाला मकई का रोटी पहली बार घर में पक रहा है का। तोलू में पॉइंट डालकर दवाई छिड़ने जाएगा अभी कार वर्जी। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाय अभी दोपहर का बज रहा है डेर और गाय सारा दिन खेत में काम चल रहा है। खेत का घास साफ कर रहा हूँ परवल का गाइस का। दोस्तों दो तीन दिन से वही खेत का काम चल रहा है दोस्तों, इसीलिए हम कल आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। तो दोस्तों अभी काम करते करते लग गया था हमको भूख, तो यहाँ से लाया हूँ भुंजा घर से। ये मकई का भुंजा है, तो भुंजा को खाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे खेत में वही कमाने के लिए। तो चलिए दोस्तों भुंजा वुंजा खा लेते हैं, इसके बाद फिर चलना है खेत में काम ही करने के लिए। बोल बेटा नमस्ते। देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे सीख रहा है नमस्ते बोलने के लिए, और इधर तो गुड़िया है, ये तो अभी कुछ बोलता नहीं, छोटा बच्चा है। तू भी बोल दे नमस्ते एक बार। तो चलिए दोस्तों नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर। गाइस मेरा भी नाश्ता पानी हो गया है, और इधर बर्देश देखिए कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे आ रही है। दवा नहीं छी दोस्तों, ये बोल रहा है हम भी दवा छिटने के लिए जाएंगे टोलू से परमल में। तुमको छिटने आता है क्या? दवा तो नहीं है, तुमको चिटने आता है। और दोस्तों उधर देखिए बर्जेस का मम्मी बकरी चरा रहा है वहाँ पे। ये दोस्तों इधर बर्जेस का मम्मी बकरी चरा रहा है का। ठंडा लग रहा है यहाँ पे हैं? बहुत लग रहा है दोस्तों। इधर के पैर का गाछ है, और मेरा ये दोस्तों झींगा के खेत जो आपको पता ही होगा, मेरे वीडियो में आप देखते होंगे। और इधर मोथा चर रहा है, बकरी खा रहा है। ये दोस्तों बढ़िया बढ़िया दोस्तों घास खाता है, घींच घींच के बकरी है, खराब घास दोस्तों नहीं खाता है का, बढ़िया घास खाता है बकरी। चराओ शाम तक चराओगे दोस्तों, शाम तक ये चरा के बकरी। हम जाएंगे दवाई छिटने के लिए परवल में। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं दवाई छिटने के लिए, इसको यहाँ पे बकरी चराने देते हैं। ठीक है जाऊँ दोस्तों। इधर देखिए बर्जेस तोलू में पॉइंट डालकर दवाई छिटने जाएगा अभी कार बर्जेस, दवाई छिटने जाएगा। आए भर गया कहा, दवाई छिटने जाएगा कहा। दोस्तों ये अभी जिसे पानी इसमें भर रहा है, दवाई छिटने जाएगा। तुम्हारे पीठ पटेगा ये बर्जेस, ए पीठ पे इसको ले जा पाएगा। हाँ। लाद दूँ पीठी पे, लाद दूँ पीठी पे, ला दे दिया पीठी पे, ला दे दिया। उठा 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 कन्ना पे ले सकता हूँ तो। ये दोस्तों अभी कन्ने पे टांग रहा है बर्जेस टांग। तो चलिए दोस्तों दवाई ववाई छिटने के लिए चलते हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा गाइस, दवाई छिट लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लाद लिया हूँ पीठ पे इधर टोलू को, और दोस्तों इस परवल में अब दवाई छिटने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों दवाई छिट लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी शाम हो चुका है, इधर बर्जेस का मम्मी खेत को कमा रहा है, बकरी को धराया घर पे, बकरी धराया घर पे। ए दोस्तों देखिए इसमें कितना जंगल हो गया खेत में, मैं आपको जंगल दिखा देता हूँ। ये परवल का खेत है दोस्तों, जितना जंगल है सब जंगल को साफ करना पड़ेगा हमें। दोस्तों ये कचिया मैं भी ले आया हूँ दोस्तों, ये कचिया से हम भी कमाएंगे, उधर बर्जेस का मम्मी कमा भी रहा है। और दोस्तों कल परसों परवल भी तोड़ लेंगे का, इधर सुन कल परसों परवल तोड़ने वाला हो जाएगा। चलिए दोस्तों खेत को कमा लेते हैं, शाम हो गया बहुत ज़्यादा, इसको कमा लेते हैं दोस्तों। इसको साफ भी करना है बहुत जल्दी, पानी भी पटाएंगे इसको। तो दोस्तों अभी जा रहा है बर्जेस की मम्मी घर, शाम पर गया, इधर बैगन तोड़ के भी लाया है, बैगन तोड़ के लाया है। कहाँ पे है बैगन, कहाँ देखा तो बहुत साइड होते। ए दोस्तों देखिए बैगन तोड़ के लाया है खेत वाला, ये बगल में जो खेत है ना, ये बगल में झींगे वाले में, वहीं से बैगन तोड़ के लाया है। गाइस देखिए बढ़िया बढ़िया बैगन होने लगा, पहले सड़ा हुआ बैगन निकलता था, अब दोस्तों बैगन बिल्कुल फ्रेश हो गया है। तो दोस्तों चलिए ठीक तो हो गया बैगन, बहुत मेहनत इसमें किए हैं दोस्तों, मेहनत मेरा रंग लगा दिया, अब बैगन ठीक हो गया। तो जा रहे हो घर, तो जाओ घर, तू भी जा करे दोस्तों। ये भी जा रहा है घर और ये भी जा रहा है घर, मैं जाऊँगा दोस्तों शाम को बासा पे, दोस्तों हम बैठे रहेंगे शाम तक दोस्तों, हम परवल को जोगेंगे। तो ठीक है जाओ घर, तो आज चल रहा है वो जाने दे उसको। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है, इधर बर्जेस की मम्मी रोटी पका रहे हैं का। क्या चीज़ का रोटी है? मकई रोटी दोस्तों, बिहार वाला मकई का रोटी पहली बार घर में पक रहा है का।
दूसरी बार पकड़ा है? नहीं, पहली बार। दोस्तों पहली बार पकड़ा है। तो दोस्तों खाना पीना मेरा बन गया है, एक ही रोटी पकने के लिए बचा है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद।